हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं आप इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली कुछ मैच भी हो गया था, हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 27वें मैच की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इन दोनों की टक्कर हमेशा रोमांचक होती है, जहां पे अगर राजस्थान की बात करेंगे तो 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रहे और टॉप पे भी स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी टीम की बात करेंगे जो कि पंजाब किंग्स, ये भी 5 मैच खेल के आ रही है, बस 2 ही मैच में जीत हासिल की है। यह मैच आपको 13 अप्रैल को चंडीगढ़ के MYS इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एक नया स्टेडियम है, यह पंजाब किंग्स का न्यू होम ग्राउंड है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच से सिंग अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में अभी तक टोटल 26 मैच खेले गए, जिसमें से पंजाब 11 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर राजस्थान 15 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ के पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है, पिच पर अत्यधिक उछाल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एवरेज स्कोर 182 का है। टॉस जीतकर यहाँ पर टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 63% रहेगा और टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फास्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अगर बात करते हैं चलते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 175 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का भी एवरेज स्कोर 175-76 लमसम है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। टीम ने लगातार 4 मैच जीतकर टूर्नामेंट का बेहतरीन स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट गेम में टीम को गुजरात के हाथों पहली बार हार मिली। इस हार से सबक लेकर टीम अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगी इस मैच में। वहीं ओपनिंग में बात करेंगे तो जहां पे यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस सीजन में खामोश है, लेकिन उनके पार्टनर जॉस बटलर रन बना रहे हैं। नंबर 3 पर जहां पे कप्तान संजू सैमसन जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, लास्ट गेम में भी उन्होंने 78 रन बनाए थे। वहीं नंबर 4 पर जहां पे रियान पर्याज जो करियर के बेस्ट फॉर्म में दिख रहे हैं, महज 5 इनिंग में उन्होंने 261 रन बना दिए। फिनिशिंग के लिए जहां पे लो ऑर्डर में सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, टीम को ज़्यादा बैटिंग मिल नहीं रही है। वहीं लास्ट गेम में टीम की बॉलिंग फ्लॉप थी, टारगेट्स नहीं सेव कर पाए, तो वहीं टीम जो कि अभी तक रेगुलर 6 बॉलर्स के साथ टीम खेल रही है, जहां पे बॉलिंग में पेसर ट्रेंट बॉल टीम के लीड है, टैकर है। वहीं पर अफ्रीका के पेसर नादिर बर्ड जो कि लास्ट गेम में ड्रॉप कर दिया गया था, जहां पे उनके जगह अफ्रीका के स्पिनर किशन महाराज को IPL में डेब्यूट किया था। वहीं पर रमेश खान जो कि लास्ट गेम में बहुत महंगे पीट गए थे। स्पिन बॉलिंग में जहां पे अश्विन और युजवेंद्र चहल दिख रहे हैं, वहीं चहल ने 10 विकेट के साथ पर्पल कैप होल्डर भी पहन लिया। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, रविचरण अश्विन, युजवेंद्र चहल, अवेश खान, नादिर बर्ग और ट्रेंट बोल्ट। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि रोबिन पॉवेल है, तनुष कोटिया, कुलदीप सेन है, नवदीप सैनी है, किशोर महाराज है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि संजू सैमसन है, यान पर्याग, यूजी चहल है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अब तक मिला जुला परफॉर्मेंस करके आ रही है। टीम के बैटर्स ने सबको निराश किया, टीम अब तक 5 मैच खेलकर 2 ही में जीत हासिल की है। लास्ट गेम में जहाँ पे हैदराबाद के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में टीम सिर्फ 2 रन से हार गई है, जहाँ पे शशांक सिंह ने फिर से बेहतरीन बैटिंग की लेकिन मैच नहीं जीता पाए। वहीं टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे बैरिस्टर शिखर धवन जो कि स्टार्ट किए थे, बैरिस्टर इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, इस मैच में टीम उनके जगह रिली रोसो को मौका दे सकती है। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे प्रभ सिमरन सिंह और सैम करन खेल रहे हैं, यहाँ पे लाइम लिविंग स्टोन के जगह सिकंदर राजा को चांस मिला था लेकिन वो भी फ्लॉप दिखे। जहाँ पे जितेश शर्मा अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, फिनिशिंग में आपको शशांक सिंह एंड आशुतोष शर्मा की जोड़ी देखने को मिल रही है, जो लगातार रन भी बना रहे हैं। अगर बॉलिंग में बात करेंगे जहाँ पे टीम लास्ट गेम में मांगी थी, हर्षल पटेल जो कि 2 विकेट लिए थे, वहीं पे कशिको रवाज जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने अब तक 7 विकेट लिए हैं। यहाँ पे इंडियन पेसर हरदीप सिंह जो कि लास्ट गेम में सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में राहुल चहर के जगह हरप्रीत बराज जो आए थे, उन्होंने भी 4 ओवर में 48 रन दे दिया। इस मैच में वो ड्रॉप हो सकते हैं।
सैम करन भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शिखर धवन है, जॉनी बेयरस्टो, आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा, सिकंदर राजा, सैम करन, शशांक सिंह, हर्षल पटेल, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, कशी गोरावारा। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि नाथन एलियस है, की त्यागराजन है, ऋषि धवन है, हरप्रीत ब्रार है, लाइम लिविंग स्टोन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि शशांक सिंह है, शिखर धवन है, कशी गोरावारा है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो मैच विनर भी यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल के साथ बन रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।